चरणामृत ग्रहण करने का तरीका और इसे ग्रहण करते हुए हमें कौन सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। ध्यान रहे, चरणामृत प्रसाद या तुलसी पत्र लिए बिना मंदिर से वापस नहीं आना चाहिए। चरणामृत हमेशा दाहिने हाथ से ही लिया जाना चाहिए। अनामिका उंगली को अंगूठे से जोड़ करके ही चरणामृत ग्रहण करना लाभदायक होता है। बाएं हाथ में एक रुमाल रखकर दाहिने हाथ के नीचे लगाएं, जिससे चरणामृत जमीन पर न गिरे। 3 बार धीरे धीरे चरणामृत का सेवन करें। चरणामृत लेते समय मन को हमेशा शांत रखें, किसी के बारे में बुरा न सोचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरणामृत पीने के बाद कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। चरणामृत न ज़्यादा ग्रहण करें और ना ही कम ग्रहण करें, ऐसा ग्रहण करें जो कंठ तक पहुंच जाए। जय मां विंध्यवासिनी।